और अब रुख करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती हैं। अमृत उद्यान 2 फरवरी से आम लोगों के लिए खोला जाएगा। गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उद्घाटन करेंगी, फिर इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इस बार उद्यान उत्सव दिव्यांगों, महिलाओं, अनाथ बच्चों और डिफेंस फोर्सेस के लिए 4 अलग अलग दिन विशेष तौर पर रिजर्व होगा। कुछ पल सुकून से बिताना है, फूलों से दोस्ती करनी है, तो तैयार हो जाइए। दिल्ली का अमृत उद्यान आपके स्वागत के लिए तैयार है। वही अमृत उद्यान जिसे आप अब तक मुगल गार्डन के नाम से जानते रहे हैं। अगर बीते सालों में बस अरमान सजा कर रह गए हैं, तो इस बार इरादा पक्का कर लीजिए, क्योंकि इस बार अमृत उद्यान की रौनक कुछ खास रहने वाली है। राष्ट्रपति भवन में बनाए हुए अमृत उद्यान को राष्ट्रपति भवन की आत्मा के तौर पर देखा जाता है। सर लुटियंस की वाइफ ने तो ये तक कहा था कि ये स्वर्ग जैसा है। स्वर्ग जैसे अमृत उद्यान का पिछले साल नाम बदला। इससे पहले इसे मुगल गार्डन कहा जाता था और यहाँ पर अलग अलग किस्म की आपको फूल नजर आएंगे, चाहे ट्यूलिप्स की हो, गुलाबों की हो। कई तरह के गुलाब जो आप बाहर नहीं देखते होंगे, वो इस अमृत उद्यान में यहाँ मौजूद है। हर बार जब अमृत उद्यान को आम लोगों के लिए खोला जाता है, तो ये किसी थीम पर बेस्ड होता है। इस बार की थीम है अमृत गार्डन और सिग्नेचर गार्डन। हर बार की तरह यहाँ लॉन्ग गार्डन में आप रंग बिरंगे शोख गुलाबों की खुशबू से सराबोर होंगे, तो वहीं सर्कुलर गार्डन में ट्यूलिप के हजारों रंग आपका मन मोह लेंगे। इस बार ट्यूलिप को इस तरह से लगाया गया है कि सुबह सूरज की पहली किरण पड़ने से लेकर जब शाम ढलेगी तब तक ट्यूलिप खिलने का सिलसिला जारी रहेगा। यानी आप सुबह आए या शाम, खिलते हुए ट्यूलिप को देख सकेंगे। इसके लिए आपको कोई भी एंट्री फीस नहीं देनी होगी। आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर आसानी से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आप फिजिकल मोड में भी एंट्री करना चाहें, तो आप राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 पहुंचकर एंट्री ले सकते हैं। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, इसे सर्कुलर गार्डन कहते हैं। ये ट्यूलिप्स के लिए जाना जाता है। कई किस्म के ट्यूलिप यहाँ मौजूद हैं। दुर्लभ प्रजातियां जो आपने बाहर नहीं देखी होंगी, वो भी यहाँ पर लगाई गई हैं। 10 बजे से लेकर 5 बजे तक यहाँ आ सकते हैं, फूलों के नजारे देख सकते हैं, अपने परिवार के साथ वीकेंड्स को एंजॉय कर सकते हैं। सिर्फ मंडे आपको नहीं आना है, 2 फरवरी से जब ये आम लोगों के लिए खुलेगा, तो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी बेहद आसान होगी। आप आसानी से ऑनलाइन रजिस्टर करिए, अपने परिवार के साथ यहाँ पर आकर घूमिए, क्योंकि इस अमृत उद्यान को यूं ही नहीं स्वर्ग कहा जाता है, यूं ही नहीं इसे राष्ट्रपति भवन की आत्मा कहा जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी हेलन के साथ नीतू झा, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली।